हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेन ज़ियाओफान स्पिरिट सेरेमनी में किंग स्पिरिट को समन कर लेता है, लेकिन स्पिरिट से पैक्ट बना नहीं पाता है, यानी कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये एपिसोड 2 स्टार्ट उसी लास्ट सीन से होता है जहाँ पे ज़ियाओफान के कैट ने किंग स्पिरिट से ज़ियाओफान को जुड़ने नहीं देता है। आपका सेन ज़ियाओफान के कैट के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो सीन के शुरुआत में हमें सेन फैमिली के एल्डर आपस में बात करते दिखाई देते हैं, जहाँ पे वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों सेन ज़ियाओफान स्पिरिट बीच से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया। और बातचीत करने के बाद एल्डर इस नतीजे पे आते हैं कि शायद हमारा हीरो किंग स्पिरिट से भी ऊपर स्पिरिट गॉड से किसी तरह कनेक्ट हो गया होगा या हो गया है। स्पिरिट गॉड के बारे में कुछ खास जानकारी एल्डर को भी नहीं होती है, क्योंकि इसका जिक्र किताबों में भी नहीं है, मगर इसके बारे में एल्डर अपने पूर्वजों यानी ग्रेट ग्रैंडफादर से सुने थे। और इस बारे में एल्डर भी श्योर नहीं होते हैं कि आखिर सेरेमनी में एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो एल्डर स्पिरिट बॉल को नष्ट कर देते हैं ताकि अगर कोई बाहर वाला इस मामले को पूछते हुए आए तो एल्डर उन्हें बता सके कि सेरेमनी में स्पिरिट बॉल की वजह से हमारा हीरो फेल हो गया था। अब इस सीन के बाद स्टोरी हमारे हीरो पे आता है, जहाँ वो काफ़ी अपने आप से नाराज दिखता है और वो अपने टीचर के पास जाता है ट्रेनिंग रूम में और वहाँ कहता है कि मैं एक ट्रैश हूँ, मतलब मैं एक नकारा हूँ टीचर, मुझसे एक स्पिरिट भी कनेक्ट नहीं हो पाया। टीचर यह सुनकर मन में ही कहती है कि अगर तुम ट्रैश हो तो फिर मैं क्या हूँ, तुम तो कुछ दिन में ही इतना पावरफुल हो गए, मुझे इस लेवल पे आने में सालों लग गए थे। और इस सीन के बाद में टीचर वहाँ से निकल जाती है सेन ज़ियाओफान के मोटर फ्रेंड के पीछे और फिर उसका फ्रेंड टीचर को अपना स्पिरिट दिखाता है जिससे उसने सेरेमनी में कनेक्ट किया था, जो एक बियर मतलब भालू होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।